सो क्विकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिकरेंस प्रॉपर्टी तक देख लिया था। नाउ पहले हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लें। तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड इन द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग द फॉर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन y is equal to 0. Or this equation can be solved with the help of power series solution, that is y is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar x to the power m minus r. After putting all the values we will get, first we will find n is equal to m, and next m is equal to minus of n minus m. This is the first value of n and m. Next, on further equating the coefficient of x to the power m minus 1 to 0, we get the another value, that is a1 is equal to 0. This is second value of differential equation. And after equating the coefficient of x to the power m minus r minus 2 to 0, we get the important recursion property, that is a r plus 2 m minus r minus 1, m minus r plus n minus 1, m minus r minus n minus 2 a r. This is the third property which is very, very important to find the odd terms as well as even terms. So when we put r is equal to 2, 4, that will get another solution. So the value of a1 is 0. So if we put r is equal to 1 here, r is equal to 1, agar hum yahan pe put kare, to ye ho jayega a3. And then all the terms we have r is equal to 1. But here we have a1. जब हम लोग 1 put करेंगे तो a3 का value a1 के respect में आएगा. और पहले हम लोग second case में derive कर चुके हैं कि a1 का value जो है वो 0 है. That means a3 is 0. Again further value अगर हम लोग put करें, that is r के जगह पे अगर 3 पुट करें तो a5 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a3 आएगा. तो उस केस में a3 जो है वो 0 पुट कर चुके हैं, वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो a5 जो है वो भी 0 आएगा. इस तरह से जितने भी ऑड टर्म्स होंगे सारे के वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे. सो a1 is equal to a3 is equal to a5 is equal to a7 is equal to all odd terms are 0. Now we have find two values, that is first m is equal to n, and next is m is equal to minus of n minus of 1. So first case is when m is equal to n. Jab m ka value n ke barabar hoga to ye jo recursion property equation number 8 se hume find hua hai, so iska value kya hoga. So when r is m is equal to n, all the terms having m replaced by n, जितने भी जगह पे m है सारे replace हो जाएंगे n से. So equation number 8 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हो गया minus of n minus r, n minus r minus 1, 2n minus r minus 1, r plus 2 ar. Now odd terms तो 0 है, कोई भी value put करने पे odd terms 0 ही आएंगे. अब हम लोग even coefficients find करेंगे. So r is equal to 0 put करने पे ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a नॉट. सो जहां जहां पे r का टर्म है सारे 0 हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ n n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 इनटू 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ a2. सिमिलरली व्हेन पुटिंग r इज इक्वल टू 2 वी गेट a4 इन टर्म्स ऑफ a2, और a2 हम लोगों ने अभी फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ a नॉट. So a2 का वैल्यू जो है, ये a2 का वैल्यू इसे हम लोग यहां से पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 1
n माइनस टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री इंटू टू इंटू फोर ई नॉट एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी इवेंट टर्म्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं और ऑड कोएफिशिएंट्स हमारे ए वन ए थ्री ए फाइव जो है ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये जीरो होंगे, तो ये जीरो हो गए। तो इक्वेशन टू जो सीरीज है हमारा, इक्वेशन टू जो हम लोग ने फाइंड किया था शुरू में ही, इक्वेशन टू अगर हम लोग ध्यान से देखें, इक्वेशन टू था हमारा ये जो पावर सीरीज के डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने लिखा था। सो ए नॉट हमें फाइंड नहीं किया है, ए वन जो है वो हमारा जीरो है, ए टू जो है हम लोगों ने ए नॉट के रिस्पेक्ट में फाइंड किया, ए थ्री हमारा जीरो हो गया, ए फोर जो है हम लोगों ने ए नॉट के रिस्पेक्ट में फाइंड किया। तो ये सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन टू, ए नॉट ये हम लोग सब लोगों ने पुट कर दिया, केस टू वन में आते हैं, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर n, यहाँ m के जगह पे हम लोगों ने पुट किया है n, माइनस ऑफ n इंटू एन माइनस वन, ये a2 का वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड किया है, a2 का वैल्यू हमारा ये a2 का वैल्यू है, इस a2 का वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया। नेक्स्ट a4 के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट किया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग केस टू पे, केस टू था m इज इक्वल टू माइनस ऑफ n माइनस वन, अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस ऑफ n प्लस वन। सो इसका वैल्यू अगर पुट करें तो इक्वेशन नंबर एट में ही पुट करेंगे रिकर्शन प्रॉपर्टी में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए आर प्लस टू इज इक्वल टू एन प्लस आर प्लस वन एन ऑफ, हमें पुट करना है n के जगह पे, तो n प्लस आर प्लस टू आर प्लस टू टू एन प्लस आर प्लस थ्री इंटू ए आर। यहाँ पर भी अगर हम लोग फाइंड करने जाएं ऑड टर्म्स, तो सारे ऑड टर्म्स ए वन के रिस्पेक्ट में आएंगे और ए वन हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं कि ए वन का वैल्यू जो है वो जीरो है, सो ऑड टर्म्स ऑड कोएफिशिएंट्स जो है वो सारे जीरो होंगे। ऑड टर्म्स के हैं या ऑड कोएफिशिएंट्स के हैं एक ही बात है। सो नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू जीरो, ए टू हमारा फाइंड हुआ, जैसे प्रीवियस केस में हम लोगों ने ए टू और ए फोर फाइंड किया वैसे यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लोगों ने ए टू फाइंड किया इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉट एंड देन ए फोर फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए टू, और ए टू का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। अब ए फोर के वैल्यूज, ए टू और ए फोर के वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि m के जगह पे पुट करेंगे हम लोग माइनस ऑफ n प्लस वन। सो ए नॉट हो गया x टू द पावर माइनस एन माइनस वन, बाकी ए टू और ए फोर के टर्म्स कोएफिशिएंट को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस गिव्स अनदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इट इज ऑफ डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो इस तरह से हमें लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए। अब इस दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे उसे देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स पीएनएक्स। यहाँ पे ये पीएनएक्स जो है वो फर्स्ट केस से डिस्क्राइब होगा लेजेंडर पॉलिनोमियल, और सेकंड केस से जो हमारा डिस्क्राइब होगा वो क्यूएनएक्स से हम लोग लिखते हैं, ये हमारा सेकंड केस से डिस्क्राइब होगा। दोनों केस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो As we know that the Legendre differential equation is 1 minus x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus 1 y is equal to 0. The solution of f of equation is series descending powers of x. जब हम लोगों ने केस 1 डिस्कस किया था तब हम लोगों ने यहाँ पे ये इक्वेशन फाइंड किया था। So let a naught is an arbitrary constant और हम लोग पॉजिटिव इंटीजर अगर हो तो a naught का वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं और मान लेते हैं कि a naught का जो वैल्यू है वो है 1 इंटू थ्री इंटू फाइव टू एन माइनस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1। यहाँ पे हम लोग ए नॉट का वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम लोग को डिनोट करते हैं पी एन एक्स, यार इसे हम लोग कहते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। This is Legendre polynomial of first kind. Next, PnX is called the Legendre function of first kind. P
Px is the solution of Legendre differential equation which is equal to unity when x is equal to 0 1 जब x का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है ये हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट इज लेजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड दैट इज Qnx सो सेकंड केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पे m का वैल्यू था माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 1 दैट इज माइनस n प्लस 1 अगर हम माइनस कॉमन ले ले ऐसे यहां पे माइनस कॉमन नहीं लिया हुआ है सो y इज इक्वल टू a नॉट x टू द पावर माइनस n माइनस 1 और ये हम लोग a2 टर्म तक ही लिखे हैं अगेन अगर हम यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट a नॉट का वैल्यू जो है उसे हम ले लें a नॉट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय 1 इनटू 3 इनटू 5 2n माइनस 1 देन दिस solution y is replaced by another polynomial that is qnx and that qnx is called non-terminating series and that qnx is called Legendre polynomial of second kind तो हमारा general solution क्या होगा general solution हमारा Legendre polynomial of first kind और second kind के combination से होगा So, general solution Legendre equation, since Pnx and Qnx are the two independent solution of Legendre equations, ये हमारा first case से आया, और ये हमारा second case से आया. Therefore, the most general solution of Legendre differential equation is y is equal to a Pnx plus b Qnx, where a and b are two arbitrary constants. इस तरह से हमारा Legendre differential equations का जो general solution होगा, वो y is equal to A Pnx और B Qnx दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशंस का बना हुआ इक्वेशन होगा जिसमें से Pnx जो होगा Legendre polynomial of first kind होगा और Qnx जो होगा Legendre polynomial of second kind ये हमारे फर्स्ट केस से डिराइव हुआ और ये हमारा सेकंड केस से डिराइव हुआ